हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हमारा यार लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। अभी तक हमने मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट लेक्चर करा। मैंने आपको बताया था जो आपकी सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड चैप्टर। एक है मनी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा था, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। सेकेंड जो पार्ट है वो है बैंकिंग। इसमें अपने 2 से 3 लेक्चर जाएंगे आगे, और आज जो है हम सेकेंड लेक्चर में बैंकिंग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 नंबर की यूनिट है। अगर आपका इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन 4-6 नंबर का बनता है, तो वो मनी से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, वो बैंकिंग से ही बनने के ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंकिंग से बने। मनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो लास्ट क्लास डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते यार, हेडिंग डालेंगे बैंकिंग, और यहां पे जो हमारा बैंकिंग टॉपिक है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? कमर्शियल बैंक। एंड सेकंड वन इज व्हाट? सेंट्रल बैंक। तो बैंकिंग टॉपिक में 2 ब्रांचेस है, एक हमारा कमर्शियल बैंक, एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं या मैं दोनों को समझाऊं तो क्या है भाई, देखते हैं आराम से। बहुत सिंपल सा चीज है। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। भाई कमर्शियल बैंक क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कमर्शियल बैंक का मतलब समझाऊं, तो आपके आसपास जितने भी बैंक्स अवेलेबल है, मतलब आप घर के नीचे जाते हो, आपका अकाउंट जिस बैंक में, सर कौन सा, HDFC, SBI, कोटक, जितने भी, कैनरा, जितने भी, येस बैंक, जितने भी बैंक जिनमें क्या आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, आपको घर के नीचे दिख जाते हैं, अपने नीचे गए भाई बैंक दिख गया, वो क्या है? सारे कमर्शियल बैंक। सर मतलब भाई कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो किसके लिए बैंकिंग सर्विसेज देता है? सर पब्लिक के लिए। क्या बोला मैंने? कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसको सर्विसेज देता है? सर पब्लिक को। रीड करो मेरे साथ, कह रहा है कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन टू दी पब्लिक। भाई क्या बोला? टू दी पब्लिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सर्विसेज किसको देता है? टू दी पब्लिक, ऑन देयर डिमांड, पब्लिक की डिमांड पे उन्हें बैंकिंग सर्विसेज देता है। अब बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या है सर? मेजर तौर पे, वैसे बहुत सारी होती है, मेजर तौर पे क्या है? सबसे पहला डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। भाई आप जो है अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक में, आप उनके पास गए अपना सेविंग अकाउंट में, बोला कि भाई हमें जो है 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने, तो बैंक वाला क्या करता है? उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या है? बैंकिंग सर्विसेज है। और क्या, अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन भी कौन प्रोवाइड कराता है? सर कमर्शियल बैंक। सिंपल भाषा में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। किस तरह की? सर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को प्रोवाइड करवाना। किसको मेरे भाई? पब्लिक को। किसको मेरे भाई? पब्लिक को। तो कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं, सिर्फ दिमाग में 3 चीज आनी चाहिए सर। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्या है मेरे भाई? बैंकिंग सर्विसेज देगा। किसको देगा मेरे भाई? पब्लिक को देगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो सर। सबसे पहली बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या करता है? बैंकिंग सर्विसेज देता है। किसको देता है? सर पब्लिक को, ऑन देयर डिमांड। अब बैंकिंग सर्विसेज में वैसे तो बहुत सारी, बट मेजर तौर पे दो, क्या? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और लोन को प्रोवाइड कराएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक के फंक्शन की, देखो फंक्शन मेजर तौर पे आपके कोर्स में नहीं है। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है फंक्शन से रिलेटेड। आपको बस क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। फंक्शन की बात करूं, पहला डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोन प्रोवाइड कराता है, मैंने बता दिया। और थर्ड जो है ना भाई, ये लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चांद सितारे सारे बना लो भाई, जो भी चांद सितारे जितने भी देखे ना सब बना लो सर। क्या? क्रेडिट क्रिएशन। क्या है फंक्शन? है क्रेडिट क्रिएशन, कि कमर्शियल बैंक जो है वो इकोनॉमी में क्रेडिट को क्रिएट करता है। क्रेडिट का मतलब यहां पे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद करना। यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है मेरे भाई? सर मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये क्या है सर? यार इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे सर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है जो कि मुझे आपको पहले यहां बतानी पड़ेगी। उन टर्म्स का मतलब जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए फिर ये कुछ बचेगा नहीं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। किससे? क्रेडिट क्रिएशन से, ठीक है। तो हमने जो है कमर्शियल बैंक करा। सबसे पहली क्या चीज? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग सर्विसेज देता है। किसको? टू दी पब्लिक, ऑन देयर डिमांड। फंक्शन क्या है सर? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड कराता है और मनी सप्लाई यानी क्रेडिट को
क्रिएट करता है इकोनॉमी में। और ये जो मेजर फंक्शन है हमारा, इसको एक सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से। अभी हम इसे स्किप करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए सेपरेट लेक्चर आपका बना के देंगे हम आपको। आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड क्या है? सेंट्रल बैंक। भाई देखो, सेंट्रल बैंक क्या है? जैसे कमर्शियल बैंक मैंने बोला क्या क्या होते हैं सर? HDFC, SBI, सर और क्या, कोटक हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल हो गए। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सिर्फ इंडिया का एक ही है, कौन? RBI, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना एक अलग सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का कौन है? RBI। अब सर होता क्या है सेंट्रल बैंक? भाई देखो, अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाऊं, कमर्शियल बैंक क्या था? कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, वो था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज देगा सर किसको? पब्लिक को, ऑन देयर डिमांड। हाँ कि ना सर? बिल्कुल। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी बैंकिंग सर्विसेज देगा, लेकिन किसको सर? गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक्स को। क्या बोला मैंने भाई? जैसे कमर्शियल बैंक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसको? पब्लिक को। वैसे ही कमर्शियल बैंक को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। मतलब भाई ये सारे HDFC, SBI, कोटक, अगर इन्हें अपने डिपॉजिट रखवाने हैं किसी बैंक पे या इन्हें लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे सर? सेंट्रल बैंक। किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक। तो मैंने क्या बोला इस थर्ड पॉइंट पे बोलेंगे, सेंट्रल बैंक इज व्हाट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सर्विसेज देगा किसको? कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग सर्विसेज देता है किसको? कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक का बैंक है और जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है। सर कौन से बैंक? कमर्शियल बैंकों का बैंक है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसे अपेक्स बैंक भी बोलते हैं सर। अपेक्स बैंक मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक इज द हेड ऑफ एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। जो भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है, जो भी कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम है, उस एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। इसलिए इसे अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? सेंट्रल बैंक इज व्हाट? अपेक्स बैंक है। मतलब पूरी कंट्री में जो मॉनेटरी सिस्टम है और जो आपका बैंकिंग सिस्टम है उसका हेड कौन है? सेंट्रल बैंक। सर जैसा रिलेशन कमर्शियल बैंक का और पब्लिक का होता है, वैसा रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के साथ होता है। सर मतलब सेंट्रल बैंक जो है सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा किसको? सर सबसे पहले कमर्शियल बैंक को और किसको? सर गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट इसके फंक्शन की बात करूं, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है इसी लेक्चर में, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई मैं पहले बता रहा हूं, फोर मार्क्स का इससे इंडिविजुअली क्वेश्चन क्रिएट होके आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इससे इंडिविजुअली क्वेश्चन क्रिएट होके आएगा। कैसे आएगा अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। इसमें से अभी ये वाला फंक्शन हमने स्किप करा, इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनेगा। और सेंट्रल बैंक के फंक्शन अभी आपको हम बताने वाले, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करेंगे भाई, जल्दी से। हाँ जी, तो यार अभी तक हमने सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक दोनों का इंट्रोडक्शन देख लिया। कमर्शियल बैंक की बात करी थी सबसे पहले सर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है किसको? पब्लिक को। कैसी सर्विसेज? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से लेके लोन प्रोवाइड कराने की सारी बैंकिंग सर्विसेज किसको देगा सर? पब्लिक को, ऑन देयर डिमांड। वो कौन है? कमर्शियल बैंक। फंक्शन देखे थे मेजर तौर पे, जो एक क्रेडिट क्रिएशन है उसके लिए सेपरेट वीडियो। ओके सर। सर सेंट्रल बैंक पे आओ, सबसे पहले अपेक्स बैंक है, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम, पूरे मॉनेटरी सिस्टम का क्या है? हेड है मेरे भाई। और उसी के साथ साथ जो रिलेशन कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ बनाता है, वही रिलेशन सेंट्रल बैंक किसके साथ बनाता है? सारे कमर्शियल बैंक के साथ। मतलब वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन पब्लिक को नहीं मेरे भाई। हम लोग जाके नहीं खोल सकते बैंक अकाउंट, हम लोग लोन मांगने हम नहीं जा सकते सेंट्रल बैंक के पास। वो किसको लोन प्रोवाइड कराएगा, किसके डिपॉजिट एक्सेप्ट कराएगा सर? या तो कमर्शियल बैंक के या फिर गवर्नमेंट के, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मैंने बात करी थी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की, वो हमें एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। और भाई मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर 100%। भाई बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस अगर बनते हैं टॉपिक के तो वो इसके बनते हैं। और किस तरीके से आएगा मेरे भाई वो भी सुन लो। वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन बता दो, कोई भी 4 नंबर का है, कोई भी 3-4 बता दिए, नहीं।
वो आपको पर्टिकुलरली एक फंक्शन उठा के देगा, क्या बोलेगा कि भाई जैसे एक फंक्शन है लेंडर टू द लास्ट डॉट, कहेगा भाई सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है लेंडर टू द लास्ट डॉट उसको एक्सप्लेन करो, फिर आपको उसके अंदर का जो भी बताना है वो बताना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि करके, सबसे पहला फंक्शन क्या है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स। भाई इशू ऑफ करेंसी नोट्स का मतलब क्या है सर, रीड करेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैव मोनोपोली राइट, मोनोपोली राइट फॉर इशूइंग करेंसी नोट। कह रहा भाई सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में कौन, आरबीआई के पास क्या है मोनोपोली राइट, मतलब मोनोपोली राइट का मतलब है उसके अलावा वो कोई और काम, मतलब जो सिर्फ पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक है उसी के पास राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सके, मोनोपोली राइट है, सिर्फ वही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, करेंसी नोट्स, मैंने करेंसी नहीं बोला, उसमें कॉइन्स भी आएगा, सिर्फ नोट्स की बात हो रही है यहां पे। तो सेंट्रल बैंक के पास क्या है मेरे भाई, मोनोपोली राइट है करेंसी नोट्स को इशू करने का, सर कॉइन को नहीं, क्या कॉइन को नहीं मेरे भाई, सिर्फ नोट को। ओके सेकंड क्या कह रहा है, नो अदर बैंक हैव सच राइट। भाई कोई भी और बैंक, कोई भी और, कोई भी कमर्शियल बैंक में कोई भी करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकता, सिर्फ कौन करेगा सर, मोनोपोली राइट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास, वही कर सकता और कोई नहीं। क्या बोल रहा है, ओनली कॉइन्स, हाँ कॉइन की बात कर रहे हैं, कॉइन क्या है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कॉइन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और वो भी 2.5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब जो टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी है उसका 2.5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, उसके अंदर ही करनी है आपको। तो सबसे पहला अगर मैं फंक्शन की बात करूं सेंट्रल बैंक के, वो क्या है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, नोट्स करेंसी नोट्स इशू करने का मोनोपोली राइट किसके पास है सर, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। क्या और कोई बैंक इशू कर सकता है सर, और कोई बैंक नहीं कर सकता, मोनोपोली राइट है उसके पास। हाँ सर, सिर्फ करेंसी कॉइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट बता रखी है 2.5% ऑफ टोटल करेंसी वैल्यू। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अगले फंक्शन में बढ़ो भाई। कह रहा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। यार इसमें क्या बताओ, अभी डिस्कस कर रहा था यार, जो रिलेशन कमर्शियल बैंक और पब्लिक का है, मतलब पब्लिक ले, हमारे लिए बैंक कौन है सर, कमर्शियल बैंक, HDFC, SBI, SBI, कोटक, ये सब हो गए। वही रिलेशन सेम कमर्शियल बैंक का किसके साथ है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के साथ। मतलब जो हमारे लिए बैंक है, जैसे कौन, फॉर एग्जांपल HDFC, तो HDFC के लिए बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। वही कह रहा है बैंकर्स बैंक। देखो भाई क्या है, कह रहा है बींग द अपेक्स बैंक, भाई कौन है, सेंट्रल बैंक है अपेक्स बैंक। क्या सेंट्रल बैंक एक्ट एज दी बैंकर्स टू अदर बैंक, भाई जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। मतलब पब्लिक को अगर क्या चाहिए, लोन चाहिए, किसके पास जाती है, कमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक को अगर अपना पैसा डिपॉजिट करवाना है किसके पास जाती है, कमर्शियल बैंक। भाई ऐसे कई बार कमर्शियल बैंक को भी तो बैंक की रिक्वायरमेंट है, उसे डिपॉजिट करवाना है, उसे लोन चाहिए, कोई भी काम चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, वो किसके पास जाएगा। तो इसलिए बोला है क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स बैंक है, इसलिए उसका एक रोल है क्या कि बैंकों का बैंक होता है वो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के जो अकाउंट्स है आर मैनेज बाय सेंट्रल बैंक। भाई जैसे पब्लिक के अकाउंट, आप लोगों मेरे अकाउंट कौन मैनेज करता है, कमर्शियल बैंक, वैसे हर एक कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर, सेंट्रल बैंक की। भाई अपेक्स बैंक है ना भाई, पापा है सबका, ठीक है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक। कह रहे सेम रिलेशनशिप मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक के साथ सर, मतलब एज कमर्शियल बैंक मेंटेन्स विद पब्लिक। भाई अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूं भाई, जो रिलेशन पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है वही रिलेशन सेंट्रल बैंक किसके साथ मेंटेन करता है, कमर्शियल बैंक के साथ। हमारे लिए बैंक कौन, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन, सेंट्रल बैंक। स्टेजेस समझ लो, पब्लिक का बैंक कौन, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन, सेंट्रल बैंक, इसलिए तो बोला बैंकर्स बैंक, कोई दिक्कत नहीं सर। और लास्ट पॉइंट एंड सुपरविजन भी है, तो सुपरविजन के लिए क्या बोला है, ऑल्सो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय सेंट्रल बैंक। भाई हर एक बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, सही तरीके से फंक्शंस कर रहा है अपने, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा, इसको सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल बैंक की। सर अपेक्स बैंक है ना, एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम का हेड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना भाई, हाँ है ना। ओके तो सेकंड में मोटा मोटा में क्या बोला, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। सर सबसे पहला, जैसा रिलेशनशिप पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का होता है।
बीइंग दी अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर का बैंक होता है, किसका, कमर्शियल बैंक का बैंक होता है। थर्ड पॉइंट क्या सर, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके अकाउंट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सर सेंट्रल बैंक की। और लास्ट पॉइंट मेरे भाई क्या, कोई भी कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेंट्रल बैंक की। इसलिए टॉपिक, इसलिए फंक्शन का नाम क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड आगे बढ़ते हैं, लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट। भाई सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं भाई, आप जो है लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या है, लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट रिसॉर्ट मतलब आप ही समझिए आखिरी रास्ता। क्या मतलब आखिरी रास्ता मेरे भाई, आपने जो है, अब जैसे आपकी आपकी बात करूं मैं, आपने जो है कोई कांड कर दिया, फंस गए बुरा वाला, पैसे वैसे भाई मांगने आ गए बंदे घर के बाहर, गेट खटखट आ रहे, सबसे पहले किसको किसको बुलाओगे, सर पेरेंट्स को बुलाएंगे सर, पापा मम्मी को, वही बचाएंगे सर मार पड़ने से, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ भाई। ऐसे ही कमर्शियल बैंक कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां पे उसके पास पैसे नहीं है देने को, तो वो पैसे कौन देगा सर, वो पैसे उसके पास आखिरी रास्ता क्या है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाए हेल्प लेने, क्या सेंट्रल बैंक के पास जाए हेल्प लेने। भाई अपेक्स बैंक है ना, हेड है ना, तो लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है, किसका, सेंट्रल बैंक का। सर फंक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई कई बार सेंट्रल बैंक ना एज लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट भी रोल प्ले करता है, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। सर मतलब लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट मतलब भाई इन केस मान लो फ्यूचर में कभी किसी कमर्शियल बैंक के पास कोई भी फंड की शॉर्टेज हो गई या फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ गया, उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक की हेल्प करेगा, सर बिल्कुल करेगा, लेकिन उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, ऐसे नहीं भाई हर, अब आप खुद बताओ मैं पब्लिक हूं, मेरे को जो है फंड की, मेरे पे फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, शॉर्टेज ऑफ फंड हो गई, अब मुझे किसी भी तरह की बैंकिंग मतलब मुझे लोन चाहिए या कुछ चाहिए, तो मैं कमर्शियल बैंक के पास गया, अब कमर्शियल बैंक को मैंने बोला भाई मेरे को इतने का लोन चाहिए, वो दे देंगे क्या, जितने का मैं मांगूंगा उतने का दे देंगे, सर कैसी बात करो, सिक्योरिटी मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, करेंगे ना, कुछ एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर वहां पे भी फॉलो होता है, कैश रिजर्व रेशो रखवाना पड़ता है, उसके बेसिस पे लोन मिलता है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि भाई लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट कौन है, सेंट्रल बैंक है, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। सर मतलब क्या है कि भाई अगर कभी कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए या शॉर्टेज ऑफ फंड हो गई, तो यहां पे सेंट्रल बैंक जो है बीइंग लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट उसकी हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशोज, अकॉर्डिंग टू व्हाट, कैश रिजर्व रेशो, यही लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आगे। कह रहे सेंट्रल बैंक ऑल्सो वर्क्स एज अ लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट फॉर कमर्शियल बैंक। सर मतलब ये इफ एनी बैंक, बैंक का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है या फिर शॉर्टेज ऑफ फंड फेस कर रहा है, द सेंट्रल बैंक आरबीआई हेल्प देम ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने बोला ना वो हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट है ना भाई, लेकिन ऐसे नहीं हर किसी की कर देगा, उसका एक प्रोसीजर है, आपको कैश रिजर्व रखवाना पड़ता है, अगर आपने मिनिमम जितना भी कैश रिजर्व रखा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो हेल्प करेगा, ऐसे नहीं जितना आप मांगने चले गए 10 करोड़ दे दो, अरे भाई तू भाई अपना ले जा, ऐसे नहीं फंक्शन भाई, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए जितना वो लोन दे पाएगा अपने अकॉर्डिंगली उतना आपको देगा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या थे, ये तीन फंक्शन थे किसके, अभी तक सेंट्रल बैंक के। अगर मैं मोटा मोटा ऊपर से ओवरव्यू दूं, सबसे पहला सर करेंसी नोट्स को इशू करने की अथॉरिटी है उसके पास, मोनोपोली राइट है, और कोई बैंक इशू नहीं कर सकता, सिर्फ करेंसी कॉइन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो भी टोटल वैल्यू का 2.5%, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वन इज व्हाट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। अगर मैं बात करूं सर किसकी कमर्शियल बैंक के जो रिलेशन होता है पब्लिक के साथ, वही रिलेशन कौन सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक के साथ। सर कमर्शियल बैंक के जितने भी अकाउंट्स है वो मैनेज कौन करता है, सर सेंट्रल बैंक, अपेक्स बॉडी है सर, बैंकर्स टू दी कमर्शियल बैंक है। और लास्ट, सारे कमर्शियल बैंक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सर सेंट्रल बैंक की, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वन इज व्हाट, लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी सेंट्रल, कोई भी कमर्शियल बैंक
फाइनेंशियल क्राइसिस है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स फेस कर रहा है, तो उस सिनेरियो में, उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट बन के आएगा, शक्तिमान बन के आएगा और उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो आपको जो है हेल्प करेगा जितनी वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, तो अभी तक तीन पॉइंट हमने, तीन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कर लिए कंप्लीट। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यार इंट्रोडक्शन जब स्टार्टिंग में मैं सेंट्रल बैंक के बारे में बता रहा था, मैंने तभी बताया था वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेरे भाई बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है। सर किसको दे रहा है? अरे मेरे भाई कमर्शियल बैंक को दे रहा है और गवर्नमेंट को भी दे रहा है, याद है ना, गवर्नमेंट को भी देता है, कमर्शियल बैंक को भी देता है। तो यहाँ पे इसलिए उसे क्या बोला, जैसे क्योंकि वो कमर्शियल बैंक को बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, इससे वो बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन वाला फंक्शन आ गया। अब वो बैंकिंग सर्विसेज किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्या बन गया? बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, वो बैंकर है। अब यहाँ पे ना बेसिकली वो तीन रोल प्ले करता है, किस किस का? बैंकर भी बनता है, एजेंट भी बनता है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनता है। तो इस फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन में आपको तीनों रोल बताने, ठीक है? आइए रीड करते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। अभी बताया था भाई बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के फंक्शन में वो बोल रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो एक्ट करता है तीन तरीके से, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। किसके लिए सर? किसके लिए? टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट। सर सारी गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट के लिए बोलू ऊपर ऊपर से। तो एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एक्ट करता है कौन? सेंट्रल बैंक। अब सर कैसे करता है? सबसे पहले बैंकर का समझते हैं, इसी के अंदर बोल रहा है एज अ बैंकर क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला कैरिड आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना भी बैंकिंग बिजनेस है उसको कैरी आउट करता है, ठीक है भाई? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कैरीड आउट करता है सारे बैंकिंग बिजनेस गवर्नमेंट के। सेकंड है मेंटेन करंट अकाउंट। भाई जैसे पब्लिक, मेरा सेविंग अकाउंट कौन मेंटेन करता है, कैश के बैलेंसेस कौन मेंटेन करता है? कमर्शियल बैंक। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो करंट अकाउंट होते हैं, कैश का जो फ्लो होता है, उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर सेंट्रल बैंक की, एज अ बैंकर। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंसेस। नेक्स्ट क्या बोला? एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। भाई पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, ये सारी चीजें क्या है, कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देता है एज अ बैंकर फॉर द गवर्नमेंट। और लास्ट की बात करूं तो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो गिव्स लोन एंड एडवांस फॉर टेम्पररी पीरियड्स। भाई टेम्पररी पीरियड्स के लिए अगर लोन चाहिए किसको? गवर्नमेंट को। तो लोन और एडवांसेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी किसकी है? सेंट्रल बैंक की। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करो भाई। हाँ जी, तो एज अ बैंकर हमने चार फंक्शन देख लिए, उसके क्या क्या? सर बैंकिंग बिजनेस को गवर्नमेंट को कैरी आउट करता है, करंट अकाउंट को मेंटेन करता है, और कोई भी रिसीट आ रही है, पेमेंट आ रही है, उसका ध्यान रखता है, और लास्ट क्या, आपको लोन एंड एडवांस जो भी टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट को देना है वो भी सेंट्रल बैंक देता है। तो एज अ बैंकर उसके ये फंक्शन हो गए। अब सर एज अ एजेंट भी काम करता है। सर कैसे? भाई एज अ एजेंट बस उसका एक काम है क्या? सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज The responsibility of managing public debts. Public debt मतलब जो government public से debt लेती है, public से उधार लेती है, उसको manage करने की responsibility किसकी है? Sir वो भी central bank की है। तो as a agent उसका एक काम है क्या कि government जो भी public debt ले रही है उसे manage करने की responsibility किसकी? Central bank की, as a agent ही हो गया। और last as a financial advisor, नाम से पता लग रहा है financial advice कर रहा है, मतलब जितने भी इकोनॉमिक मैटर है, जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, उन सारे मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। वो बताएगा भाई ऐसे एडवाइस करो, यहां करो, वो करो। तो जितने भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनिटरी मैटर है, उनमें क्या करता है सेंट्रल बैंक? एडवाइस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मैटर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो मोटा मोटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में ये बोला कि भाई जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें तीन तरीके से काम करता है, बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर मैं बात करूं बैंकर की तरह तो क्या क्या काम करता है? करंट अकाउंट के बैलेंसेस, पैसा रिसीट कहां से हो रहा है, पैसे की पेमेंट कहां करनी है, आपके जो है लोन एंड एडवांसेस टेम्पररी बेसिस पे, करंट अकाउंट को मैनेज, मतलब जितने भी मेजर तौर पे हमने चार फंक्शन पढ़े वो सारे।
एज ए एजेंट क्या करता है सर, पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट के, सर सेंट्रल बैंक की। थर्ड, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल या मॉनेटरी मैटर में जो भी एडवाइजेस चाहिए वो कौन देगा? सर हमारा सेंट्रल बैंक, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट फंक्शन आज की क्लास का, ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, बट आज की क्लास का लास्ट फंक्शन सर ऐसा क्यों अभी बताएंगे, वो क्या है? कस्टडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब मेरे भाई ध्यान देना, मुझके लेना, यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है इसका मतलब है सर फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज में कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसे मत समझना एक्सचेंज हो रहा है कुछ ना मेरे भाई, ये है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को ना दूसरा टेक्निकल नाम है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स, तो तीनों का मतलब एक ही है। कह रहे कस्टडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी की कस्टडियर है। मतलब सर, अरे नाम से समझ आ रहा है भाई, मतलब इसका यह है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी रख सकता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, फॉरेन करेंसी का डॉलर जो है, जो पाउंड है, अदर अदर कंट्रीज की जो करेंसी है उसका जो रिजर्व है ना, वो सिर्फ सेंट्रल बैंक अपनी तिजोरी में रखेगा भाई। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई कमर्शियल बैंक, कोई भी किसी भी तरह के फॉरेन करेंसी का रिजर्व होल्ड नहीं कर सकती। अरे बोलो, समझ आया? हां जी सर, कोई दिक्कत नहीं, तो रीड कर लो एक बार इसे। कह रहे ओनली सेंट्रल बैंक हैज कस्टडी और फॉरेन एक्सचेंज कर रिजर्व। कह रहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी कौन रखेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रल बैंक। कह रहे नो अदर पर्सन, पर्सन बोला भाई, ना गवर्नमेंट ना कमर्शियल बैंक, ढंग से समझ के लेना, नो अदर पर्सन। कह रहे ना गवर्नमेंट ना कोई कमर्शियल बैंक, कोई भी बंदा कह रहे हैव सच राइट विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब या तो सेंट्रल बैंक रखेगा या फिर सेंट्रल बैंक से जिसने परमिशन लिया है वो रखेगा भैया, बिना सेंट्रल बैंक की परमिशन के अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा, मार पड़ेगी भाई, घर आके मारेंगे बंदे, ठीक है ना, गंदी बातें नहीं करनी। तो ये हमारा क्या था, लास्ट फंक्शन था किसका? सेंट्रल बैंक का। आई होप आपको ये वाले फंक्शन समझ आए हो। अभी तक हमने सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शन करे हैं, उसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई मेजर तौर पे दिक्कत होगी। लास्ट ये जो फंक्शन है भाई, ये है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है जल्दीबाजी ना करते हुए अपन लोग नेक्स्ट पूरा जो लेक्चर जाएगा, थर्ड लेक्चर, वो सिर्फ इस एक फंक्शन पे जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल है। मतलब सिंपल है बट टेक्निकल है, समझने को काफी कुछ है इसमें। तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या है, बेसिकली पूरा मामला समझेंगे। बट ध्यान रखना दो चीजें, एक है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है वो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। एक टॉपिक पहले था क्या, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट था वो कमर्शियल बैंक का फंक्शन था, वो भी हमने छुड़वाया। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाला जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, और उसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। तो इसी के साथ बैंकिंग आपका जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश रहेगा, कोई डाउट नहीं सर। आज की क्लास में सबसे पहले कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक दोनों का मतलब समझा। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सर्विसेज देगा सर पब्लिक को, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन क्या है, वैसे तो मेजर तौर पे फंक्शन अपने पास है नहीं, लेकिन एक है क्या, क्रेडिट क्रिएशन, वो पढ़ना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। अगली बात करूं किसकी, सेंट्रल बैंक की। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी बैंकिंग सर्विसेज देता है, पर मेरे भाई किसको? सर सारे कमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो रिलेशन कमर्शियल बैंक और पब्लिक का होता है, वही रिलेशन किसका होता है मेरे भाई, सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके फंक्शन की बात करूं सेंट्रल बैंक के, मेजर तौर पर 6 है, बट आज हमने 5 ही करे, छठा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 5 फंक्शन, सबसे पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, मोनोपोली राइट है किसका, सेंट्रल बैंक का, कि सिर्फ वही करेंसी नोट्स को इश्यू कर सकता है और कोई नहीं। हाँ, करेंसी कॉइन्स को इश्यू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी टोटल वैल्यू का 2.5%, कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या था सर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। भाई पहले से बता रखा है, जो रिलेशन पब्लिक और कमर्शियल बैंक होता है ना, वही सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक होता है। तो बैंकों का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के अकाउंट कौन मैनेज करेगा, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक ढंग से काम कर रहा है, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा, ये सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। थर्ड बात है लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट। भाई अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी शॉर्टेज ऑफ फंड हो रही है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, एक कॉल पे सेंट्रल बैंक भाई बंदे लेके पहुंच जाएगा घर पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमर्शियल बैंक को कहेगा। बट हाँ, उसकी कंडीशन है किसके अकॉर्डिंगली, सर कैश रिजर्व रेशियोज के अकॉर्डिंगली वो जो है लोन देगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो जितना आप मांगोगे, ऐसा नहीं कि जितना वो मांगे उतना,
कमर्शियल बैंक ने कहा भाई 1 करोड़ दे दे तो वो 1 करोड़ लेकर आ रहा है, नहीं, ऑब्वियसली बात है कैश रिजर्व के बेसिस पे जितना उसने रखवाया हुआ उसके अकॉर्डिंगली ही वो हेल्प करेगा। सर कैश रिजर्व क्या होता है वो भी हमें इसमें ही पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ की बात करूं, फोर्थ अभी देखा क्या सर, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज वो गवर्नमेंट को भी देता है एज अ एजेंट, एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले बैंकर की बात करूं भाई करंट अकाउंट मैनेज करता है, पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है ये देखता है सर, और क्या लोन एंड एडवांसेस टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट को कौन देता है सर, सेंट्रल बैंक देता है, और क्या मेरे भाई जितने भी बैंकिंग बिजनेस है गवर्नमेंट के सबको कैरी आउट करता है, ये एज अ बैंकर करता है। एज अ एजेंट क्या है सर, पब्लिक डेट जो है उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मेरे भाई, सेंट्रल बैंक की, किसके लिए गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, इकोनॉमिक जो भी मैटर है, जो भी फाइनेंशियल मैटर है, मॉनेटरी मैटर है, उन पे जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइजेस है कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है, किसको सर, गवर्नमेंट को। और लास्ट कस्टडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी की जो कस्टडी रखने का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, मतलब या तो सेंट्रल बैंक रखेगा या फिर मेरे भाई जिसने सेंट्रल बैंक से परमिशन ले रखी है कि भैया मैं रख सकता हूं, सेंट्रल बैंक ने बोला भाई मेरे को, वही बंदा रखेगा। बिना सेंट्रल बैंक की परमिशन के आप फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी जो है वो रिजर्व, उसके बड़े बड़े अमाउंट नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ आपके मेजर तौर पर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक होते हैं फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट फंक्शन पूरा एक लेक्चर इसके लिए जाएगा, और लास्ट लेक्चर जो बनेगा वो कमर्शियल बैंक में जो क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक है उसका बनेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।